नगर निगम परिषद हॉल में पहली बार संत वही निर्मल प्रवचनों की गंगा। जब जब संत समक्ष होता है तो सत्ता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। धर्म कहता है धर्मनिष्ठ होकर ही राजा प्रजा का हो सकता है, यही प्रजातंत्र है। राजा सदैव धर्मनिष्ठ होना चाहिए, धर्म के प्रति आस्था होना जरूरी है। ये बात शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में तपोभूमि प्रणेता आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज ने विशेष मंगल प्रवचन में कही। उज्जैन तपोभूमि प्रणेता आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज ने नगर निगम सभागृह पहुंचकर मंगल प्रवचनों की गंगा बहाई। जीवन में आने वाली कठिनाइयों बाधाओं से किस तरह से हम अपनी आप को बचाएं, जीवन में आने वाली कठिनाइयों बाधाओं से किस तरह से हम अपने आप को बचाएं, इसके लिए उन्होंने 5 सूत्र बताए। जब जब संत समक्ष होता है तो सत्ता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। धर्म कहता है धर्मनिष्ठ होकर राजा प्रजा का हो सकता है, यही प्रजातंत्र है। राजा सदैव धर्मनिष्ठ होना चाहिए, धर्म के प्रति आस्था जरूर होने चाहिए। ये बात शुक्रवार शाम नगर निगम मुख्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में आचार्य श्री ने गणमान्य जन की उपस्थिति में कही। आपने कहा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, शहर का विकास आपके हाथ में है, समाज का विकास मेरे हाथ में, आप सत्ता के आसन पर हैं, मैं संत के आसन पर हूँ। तो कार्य हम सब मिलकर ऐसा करें कि भगवान महावीर एवं श्री महाकाल की नगरी उज्जैनी पवित्र नगर का वैभव लेकर लौटे। यहाँ का कण कण पवित्र है, जहाँ के राजा स्वयं महाकाल हो वहां किसी और की हुकूमत नहीं चलती। निगम की ओर से उनको उज्जैनी गौरव की उपाधि देकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। इस दौरान महापौर मुकेश टिटवाल, विधायक पारस जैन, मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट काउंसिल अध्यक्ष ओम जैन, नगर जिला अध्यक्ष विवेक जोशी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, पूर्व सांसद सत्यनारायण कुमार, मध्य प्रदेश निर्यात निगम के पूर्व अध्यक्ष मनोहर बैरागी, पूर्व महापौर मदन लाल ललावत, मीना जोनवाल, प्रकाश चित्तौड़ा, अशोक प्रजापत, रामचंद्र कोरट, अनिल जैन कालूहेड़ा, संतोष कोलवाल, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी आदि मौजूद रहे।